वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। वी वर स्टडिंग द चैप्टर एटमॉस्फेयर, और हमने जाना था इससे पिछले वीडियो में कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। इन केस अगर अभी तक आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो आपको पार्ट वन वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर लें। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। तो अब हम लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, आप ध्यान से वीडियो को देखना। द कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर विच मेक्स अप द एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर, एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ठीक है, और यही एयर मिल के ना एटमॉस्फेयर बनाते हैं। तो द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर विच मेक्स अप द एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स। ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें बहुत सारे गैसेस हैं और छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं। टाइनी मतलब छोटे, ठीक है, और पार्टिकल सॉलिड टाइनी पार्टिकल्स। हाउएवर अ क्लीन ड्राई सैम्पल ऑफ एयर इज मेड अप ऑफ 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन। द रिमेनिंग 1% ऑफ एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स बैलेंस द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स। द बैलेंस हाउएवर इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोसफेयर ईच ईयर। दिस इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एफेक्ट्स द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, चलो अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो हवा है, जो एयर होते हैं ना, उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं और उसमें जो है सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स क्या? तो कभी आप ना, आप अपने जब किसी कमरे में बैठना जहाँ पर सनलाइट आती हो, ठीक है, और जब सनलाइट उस कमरे में एंटर करती हो, जहाँ से कर रही हो, वहाँ पर ना आप किसी चीज़ को पटकना या आप ज़मीन में झाड़ू हल्का सा हिला देना, तो आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल ना वो हवा में उड़ने लगते हैं। तो वही है छोटे, मतलब कि स्मॉल सॉलिड टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। और हवा में मेनली 78% ऑफ नाइट्रोजन होता है, सबसे ज़्यादा हवा में होता है नाइट्रोजन 78%, और ऑक्सीजन होता है 21%, ठीक है। तो अगर आप 78 और 21 को ऐड करोगे ना तो वो होगा 99, ठीक है, और 1% जो होता है वो अदर गैसेस होते हैं, ओके। और वो अदर गैसेस में क्या, अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलते हैं? तो हम जो चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा कोई भी गैस, स्टोव, चूल्हा, बाइक से जो फ्यूल बर्न होती है, ठीक है, फिर कोयला जो जलता है, जो फैक्ट्रीज में कोयले जलते हैं, तो इन सभी से जो धुआं निकलती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये 1% जो गैस है ना, तो वो 1% में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, और भी बहुत सारे गैसेस रहते हैं, बट मेनली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो फॉसिल के जलने से निकलते हैं, वो ना मतलब एटमॉस्फेयर में पूरा फैल के ना एटमॉस्फेयर को गर्म कर देते हैं, ठीक है। ऐसा आप सोचो ना कि अगर आप गर्मी के दिन में किचन में घुसते हो, ठीक है, किचन जाते हो, तो किचन जब जाते हो तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस जलता है उससे जो बर्तन सभी ये सब होते हैं, मतलब जो धुआं होता है हल्का हल्का, उससे ना गर्म गर्म हो जाता है पूरा इन्वायरमेंट। और उसी तरीके से सोचो कि जो इतना सारा कार, बसेस चलते हैं, ट्रेन्स चलती है, एरोप्लेन चलता है, और इन सभी से बहुत ज़्यादा धुआं निकलते हैं, ठीक है। तो जब धुआं निकलते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देते हैं। तो ये लास्ट लाइन में यही चीज़ें लिखा गया है, द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एफेक्ट्स द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है एटमॉस्फेयर में, वो अर्थ के टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। आप समझ गया ना कि क्या क्या चीज़ें मिलके एटमॉस्फेयर बनती है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में भी ना, पता है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब कि इसमें भी लेयर होते हैं, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप ठीक है ध्यान से देखना इसे। देयर आर कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, ईच लेयर हैज़ डिफरेंट डेंसिटी। मतलब कि
हर एक ना लेयर का डिफरेंट डेंसिटी है. डेंसिटी क्या होता है, चलो डेंसिटी मैं समझाता हूँ आपको. अगर आप अपना मान लो ना 5 ग्लास में या फिर किसी कटोरी में ना एक में घी रखा हुआ है, घी भी एक तरीके का लिक्विड है, ठीक है. अगर आप घी में अपना हाथ को फेरोगे तो आपको अलग फील होगा. फिर दूसरे कटोरी में मान लो कोई ऑयल है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, तो उस सरसों के तेल में हाथ अगर आप ये करोगे तो उसमें अलग आपको डेंसिटी महसूस होगा, ठीक है. और तीसरा कटोरी में है पानी, तो पानी में जब अपना आप उंगली फेरोगे तो वो भी लिक्विड है, बट उसमें आपको अलग फील होगा, ठीक है, हल्का लगेगा. और चौथे में है कैरोसिन ऑयल, तो कैरोसिन ऑयल जो है उसमें भी जब आप अपना उंगली को फेरोगे उस पानी में, सॉरी उस तेल में अपने उंगली को डुबा कर अगर घुमाओगे तो आपको अलग डेंसिटी, बहुत हल्का फील होगा आपको. तो डेंसिटी का मतलब होता है हिंदी में घनत्व, ठीक है. तो एटमॉस्फेयर के ना 5 लेयर होते हैं, ठीक है, और पांचों का डेंसिटी अलग अलग होता है, ठीक है. मतलब अब तो समझ रहे हो ना डेंसिटी का मतलब क्या होता है. जैसे कि घी का अलग डेंसिटी हुआ है, तो वो लिक्विड है ना, बट घी का अलग डेंसिटी हुआ और ऑयल का अलग डेंसिटी हुआ, तो जस्ट लाइक दैट है ना, जो एटमॉस्फेयर है ना उसके जो लेयर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर के टोटल 5 लेयर्स होते हैं, और उन सभी 5ों लेयर का जो डेंसिटी होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है. तो सभी बहुत ही आसान है, मैं आपको जब एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा ना तो आपको ईजिली सभी कुछ समझ में आ जाएगा सभी लेयर्स के बारे में, ठीक है ना. तो चलो पढ़ता हूँ. देयर आर कंसेंट्रिक लेयर ऑफ एयर इन द एटमोसफियर. ईच लेयर हैज़ डिफरेंट डेंसिटी. द अपर लेयर प्रेस डाउन द लोअर वन. तो जो अपर लेयर है ना वो दबाता है निचले वाले लेयर को. सो द एयर इन द अपर लेयर इज ऑलवेज हेवियर और डेंसर. तो अगर कोई चीज़ अगर किसी चीज़ को दबाए किसी दूसरे चीज़ को दबाए तो इसका तो यही मतलब होता है ना कि जो ऊपर में चीज़ है वो भारी होता है. तो जो ऊपर वाला एयर है ना वो भारी होता है एज़ कम्पेयर टू उसके नीचे वाले एयर से, ठीक है. वाइल द अपर लेयर आर थीनर और लेस डेंसर. इन दिस वे अबाउट 90% ऑफ द मास ऑफ द एयर लाइज विद इन अ हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ऑन द बेसिक ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर देयर एग्जिस्ट 5 लेयर ऑफ एटमोसफेयर. तो आप जान लो बस इतना सा बात कि क्वेश्चन आएगा कि एटमॉस्फेयर के कितने लेयर होते हैं, तो आपके एकदम माइंड में होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर के 5 लेयर होते हैं, ठीक है. दीज आर द फॉलोइंग. तो मैं एक बार ना पहले नाम पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ, ठीक है. तो हम लोग रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, जो सबसे निचला होता है लेयर उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, और तीसरा होता है मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और आखिरी जो होता है उसे कहते हैं एक्सोस्फेयर, ठीक है. अब हम सभी को एक एक करके पढ़ते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे निचले में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं. हम लोग रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में. हम लोग कहाँ रहते हैं? ट्रोपोस्फेयर में. तो ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट एंड द डेंसीएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो जो ट्रोपोस्फेयर है ना वो सबसे निचला लेयर को बोलते हैं, जो कि अर्थ के सबसे करीब है, जिसमें कि हम लोग रहते हैं, ठीक है. और ये सबसे ज़्यादा डेंस है, मतलब सबसे ज़्यादा घना है यहाँ पे है. इट रेंजेस इन थिकनेस अबाउट 8 किलोमीटर इन द पोल्स टू 16 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर, ठीक है. आई होप आप पोल का मतलब और इक्वेटर का मतलब जानते हो. इनकेस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ. अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको पता है ना तो फिर भी आप ये देखो, ठीक है. नाउ लुक एट दिस इमेज. ये जो सर्कल बना हुआ है ये हमारा अर्थ है, ठीक है. और अर्थ को जो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करता है जो लाइन उसे कहते हैं इक्वेटर, ठीक है. और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक है. और यही रीज़न है कि अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका कंटिनेंट, वो इक्वेटर के पास आता है, जिसके कारण है यहाँ पे बहुत डायरेक्ट धूप पड़ती है. यही वजह है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं, ठीक है. क्लियर हो गया आपको ये इक्वेटर का मतलब. इक्वेटर वैसे लाइन को कहते हैं. ये कोई लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है. एक्चुअली में ऐसा कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करता. तो इक्वेटर जो होता है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है. और यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है.
क्लियर, इक्वेटर का मतलब। अब दूसरा है पोल, तो ऊपर है वो है नॉर्थ पोल और नीचे जो है वो है साउथ पोल, तो पोल का मतलब जो टॉप मोस्ट जो पॉइंट है उसे कहते हैं पोल्स। ओके, जो ऊपर वाले पॉइंट है उसे कहते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले जो पॉइंट है उसे कहते हैं साउथ पोल। यहाँ पे अर्थ का जो यहाँ पे जो सन का लाइट है वो अर्थ पे मतलब ये जो पोल्स पे ना नहीं पड़ पाते डायरेक्ट, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो अभी जो हमने लाइन पढ़ा अपने बुक से, अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया ना इक्वेटर का मतलब क्या होता है और पोल्स का मतलब क्या होता है, तो चलो अब मैं आपको वो लाइन समझाता हूँ उस लाइन का क्या मतलब हो। इट रेंजेस इट्स थिकनेस फ्रॉम 8 किलोमीटर एट द पोल, तो जो मैंने भी आपको पोल दिखाया था वहाँ पे ये ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर है ना वो 8 किलोमीटर का है सिर्फ, और जो इक्वेटर है यहाँ पे 16 किलोमीटर का ये ट्रोपोस्फेयर का लेयर है। ठीक है, इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ट्रोपोस्फेयर जो है वो अर्थ के बहुत क्लोज है। इट इज़ द लेयर इन विच वी लिव, और ये वही लेयर है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो हम लोग कौन से लेयर पे रहते हैं, हम लोग ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। इट कंटेन्स मोर देन 75% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमोसफियर, और टोटल मास ऑफ एटमोसफेयर का मतलब कि जो वातावरण है रहने के लिए जो एक होता है ना एयर, मतलब कंडीशन जो होता है वो यहाँ पे एग्जिस्ट होता है ट्रोपोस्फेयर में, इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट होता है ट्रोपोस्फेयर में। Nearly all the Earth's weather condition, including cloud, winds, storm, rain, snow, occur in this layer. तो जितने भी बादल होते हैं, जितने भी तूफान आते हैं, जितने भी हवा चलते हैं, जो बारिश होती है, बर्फ गिरती है, ये सभी चीज़ इस ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही होता है। ठीक है, the weather forecast is made by studying the troposphere, और weather forecasting होता है ना कि बारिश कब होगी, कौन से तूफान कब आएंगे, तो ये सब troposphere के layer को ही पढ़ के किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, और बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है इस लेयर में। फिर है द ट्रोपोस्फेयर एक्ट एज ब्लैंकेट दैट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग द डे, इट कीप्स द अर्थ वार्म ड्यूरिंग द नाइट बाय ट्रैपिंग द टेरेस्ट्रियल हीट। और ये जो ट्रोपोस्फेयर है ना ये एक ब्लैंकेट के जैसा काम करता है अर्थ पे, ये सबसे निचला लेयर है ना तो ये एक चादर के जैसा काम करता है। कैसे, कि ये सन का जो एकदम एक्सेस लाइट होता है ना हीट वो अर्थ तक आने ही नहीं देता, आधा जो हीट होता है वो सोख लेता है। ठीक है, और जो रात में अर्थ बहुत ज़्यादा ठंड ना हो जाए इसके लिए जो अर्थ की गर्मी है ना उसको बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। आई होप आपको सब समझ आ रही होंगी यहाँ तक। अब दो पॉइंट है, द ट्रोपोस्फेयर इज़ द वार्मेस्ट नियर द अर्थ सर्फेस, दिस इज़ बिकॉज द सन लाइट दैट पासिस थ्रू द एयर हीट्स द लैंड एंड द सी, द लैंड एंड द सी इन टर्न्स वार्म द एयर डायरेक्टली अबव देम। और जो ट्रोपोस्फेयर होते हैं ना उसका सबसे गर्म हिस्सा जो होता है ना वो नीचे की ओर होता है, जो अर्थ से सटा हुआ रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सन लाइट फेंकते हैं अर्थ पे, तो अर्थ फिर बदले में हीट निकालता है ना, मतलब अगर कोई कंक्रीट है, कोई पक्की दीवार है, तो वहाँ से जो गर्मी निकलती है वो सारा जाके ना ट्रोपोस्फेयर में जाके फंस जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर ड्रॉप्स बाय अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर राइज इन एल्टीट्यूड। The temperature stops falling at the upper boundary of the troposphere called the tropopause. तो आप जैसे ना अर्थ के ऊपर जाने लगोगे ना, अगर आप अर्थ के ऊपर गए 1 किलोमीटर ना, तो आपको पता है अगर अर्थ में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तो उससे 6.5 डिग्री मतलब सेल्सियस जो है वो कम हो जाती है। मतलब इसका ये होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है, और ये जितना भी आप ऊपर जाओगे तो वो टेम्परेचर कम होता ही जाएगा। ठीक है, और फिर एक बाउंड्री आता है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच का एक पतला सा लेयर क्या है, जिसे कहते हैं हम लोग टोपोपॉज। ठीक है, टोपोपॉज का मतलब, पॉज का मतलब तो होता है ना रुकना या किसी चीज़ को रोकना, तो जो टोपोपॉज है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इस
जो पतला सा लाइन है जो कि बाउंड्री है किसका, स्ट्रेटोस्फेयर का और ट्रोपोस्फेयर का, उसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो आज के वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। जितने भी पॉइंट्स बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ को कंप्लीट कर लूँगा, लाइक स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। मैं सभी को एक जो मैं लास्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें सभी को एक साथ कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना।